शहीद स्मारक की ओर जहां पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, एमएसपी की मांग को लेकर किसान यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर से शहीद स्मारक की, तस्वीरें आपको सीधा दिखा रहे हैं जहां पर किसानों का प्रदर्शन यहां पर चल रहा है। एमएसपी की मांग को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन किसानों का यहां पर चल रहा है, जिसको लेकर जयपुर के शहीद स्मारक की तस्वीरें आपको सीधा दिखा रहे हैं जहां पर किसानों का प्रदर्शन यहां पर चल रहा है। एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। शहीद स्मारक किसानों का प्रदर्शन, देखिए लगातार किसान एमएसपी की मांग और साथ ही अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सबकी बता दें कि ये जयपुर से खबर है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। किसान संगठनों के साथ राजनीतिक पार्टियों का भी प्रदर्शन चल रहा है। शहीद, फिलहाल आपको सीधा शहीद स्मारक की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। एमएसपी सहित कई मांगे हैं किसानों की, जिनको लेकर लगातार किसान आंदोलनरत है। बता दें कि जयपुर से तस्वीरें हैं, जयपुर के शहीद स्मारक पर किसान ने डेरा डाल दिया है और यहां पर अब वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि जयपुर से तस्वीरें आपको सीधा दिखा रहे हैं, शहीद स्मारक की तस्वीरें हैं जहां पर किसानों का प्रदर्शन यहां पर चल रहा है। हाथ में झंडा लिए किसान प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं। बता दें कि किसानों की लगातार मांगे हैं, जिनको लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं पर बंद का आह्वान किया गया है तो कहीं पर किसान खुद प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। देश भर की निगाहें इस वक्त किसानों के प्रदर्शन पर टिकी हुई हैं, किसानों के आंदोलन पर टिकी हुई हैं। लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली से लेकर जयपुर, हरियाणा, सभी जगह किसानों को लेकर प्रदर्शन चल रहे हैं। किसानों की मांगे हैं, एमएसपी सहित कई मांगे हैं किसानों की। बता दें कि किसानों ने ग्रामीण भारत बंद को लेकर भी अलर्ट किया है। भारत बंद का भी उन्होंने ऐलान किया था, कई कई जगह आज बंद का भी असर दिखाई दिया है। तो वहीं किसान संगठन को लेकर फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं शहीद स्मारक की। जयपुर के शहीद स्मारक पर किसान रुके हुए हैं, लगातार प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। एमएसपी सहित अन्य कई मांगे हैं किसानों की, जिनको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दशरथ सिंह, दशरथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दशरथ, क्या कुछ अपडेट है? किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, जयपुर में शहीद स्मारक पर आप मौजूद हैं, क्या कोई जानकारी है आपके पास? अभी क्या कुछ करने वाले हैं किसान अभी? दशरथ, देखिए निश्चित तौर पर एमएसपी को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान जुटे हैं उनके समर्थन में जो भारत बंद बुलाया गया था उसके समर्थन में जयपुर के अंदर जो शहीद स्मारक है, ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं शहीद स्मारक की है। यहाँ पर किसान जो प्रतिनिधि हैं और किसानों से जुड़े जो अन्य संगठन हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और वो लगातार यहाँ पर किसानों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर वो विरोध है वो यहाँ पर जताया जा रहा है। तमाम किसान प्रतिनिधि भी यहाँ पर है जो कह सकते हैं इसी में पूरी जो मांगे हैं उनकी लेकर। आप क्या कहोगे, किसानों का जो प्रदर्शन दिल्ली में चल रहा है उसके समर्थन में बंद बुलाया गया और यहाँ पर भी आप इकट्ठा हुए? जी हाँ, देखिए केंद्र सरकार स्वयं ने वादा किया था कि हम एमएसपी लागू जल्दी ही कर देंगे। किसानों के जब तीनों भूमि संबंधी कानून वापस लिए, किसानों ने कहा कि हम एमएसपी जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं हटेंगे। केंद्र सरकार ने कहा कि एमएसपी हम जल्द ही ले आएंगे, उस पर कानून लाएंगे, लेकिन दो साल हो गए। ये तो केंद्र सरकार का गलत बयानी है और केंद्र सरकार इस तरह से किसानों के साथ निरंतर धोखे धड़ी कर रही है। एमएसपी
तो न्यूनतम सपोर्ट प्राइस है, केवल उसको आदेश यानी कानून बनाना और आदेश देना। कोई भी व्यापारी मंडी में उस एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा तो केंद्र सरकार को क्या जाता, लेकिन केंद्र सरकार किसानों को रसातल में रखना चाहती है, ये नियत है। और धीरे धीरे जैसे एयरपोर्ट, रेलवे, बैंक, बीमा, ये इनका निजीकरण कर रहे हैं, इसी तरह से ये भूमि का निजीकरण भी कर रहे हैं कि किसान परेशान होकर भूमि बेच रहे हैं, शुरू कर दें, तो ये षड्यंत्र है। और किसान जब अपनी बात कहने आते हैं, लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन उनके कील बिछा देना, कील गाड़ देना और ड्रोन से अश्रु गैस के बम डालना, ये तो जैसे दुश्मन देश के साथ व्यवहार करते हैं, इस तरह का व्यवहार है, ये बहुत ही दुखद है, लोकतंत्र को कलंकित करने वाली बात है। निश्चित तौर पे तमाम किसान जो प्रतिनिधि हैं वो इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, तस्वीरों में अलग अलग जो संगठन है किसान प्रतिनिधियों के, इसके साथ ही पॉलिटिकल जो पार्टी है उनके जो जनप्रतिनिधि है वो भी यहाँ पर आए हैं और वो भी अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। एक दिन का ये विरोध यहाँ पर रखा गया है, दिल्ली बॉर्डर पर किसान जुटे हुए हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं और विरोध के साथ ही वो कह सकते हैं किसानों की जो मांगे हैं उनको जाहिर ठहरा। ये तमाम किसान प्रतिनिधि है जो हमारे साथ है, अलग अलग संगठनों से जुड़े जो लोग हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं। सिद्धू साहब, आप क्या कहोगे किसानों की मांगों को लेकर, दिल्ली बॉर्डर पे डटे हुए किसान, आज भारत बंद भी बुलाया है? संयुक्त किसान मोर्चा और श्रमिक संगठनों के जो केंद्रीय संगठन है और फेडरेशन जिसमें बैंक, बीमा, इन सब की तरफ से आज ग्रामीण भारत बंद आम हड़ताल का आज आह्वान है, जिसके तहत आज ये कार्यक्रम है। और ये किसानों के साथ साथ देश के आम मेहनत कश आवाम की मांगों को साथ लेके पूरे देश के अंदर आज के दिन आम हड़ताल और ग्रामीण भारत बंद है। जहाँ तक दिल्ली के अंदर जो किसान कूच कर रहे हैं उनका कार्यक्रम अपना है, लेकिन केंद्र सरकार और हरियाणा की सरकार का जो दमन है उस दमन का हम विरोध करते हैं। और उनका लोकतांत्रिक अधिकार है कि दिल्ली की तरफ कूच करें और सरकार ने जो उनके ऊपर कीले बिछाना, अश्रु गैस छोड़ना, प्लास्टिक गोलियां चलाना, इन दमनकारी नीतियों का पूरे देश के अंदर हम भी विरोध करते हैं, कल भी विरोध किया गया। और हमारी अपील उनसे और सबसे ये है कि एक संयुक्त किसान आंदोलन जैसा 2020-21 में ऐतिहासिक चला, वैसा ही किसान आंदोलन का निर्माण करेंगे। निश्चित तौर पर तमाम अलग अलग संगठन है, उनके किसान प्रतिनिधि यहाँ पर जुटे हुए हैं और वो जुटने के साथ ही यहाँ पर वो विरोध है वो जता रहे हैं। इसके अलावा बात करें पॉलिटिकल पार्टियों के जो अलग प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर जुड़े हैं। सामाजिक कार्यकर्ता निशा सिद्धू हमारे साथ जुड़ गई हैं। निशा जी, दिल्ली से लेकर जयपुर तक आंदोलन के आँच आ चुकी है, क्या कहेंगे? जब राजा निरंकुश हो जाए तो प्रजा को सड़कों पे आना पड़ता है, तो अभी हाल यही हो रहा है। पिछले 5-7 साल से हम देख रहे हैं कि जो हमारे देश का हाकिम है वो ऐसे ऐसी योजनाएं लेके आता है जो जन विरोधी हैं। कभी नोटबंदी लेके आते हैं, कभी GST लेके आते हैं, कभी FDI को फ्री करते हैं, कभी जुमले फेंकते हैं, मन की बात करते हैं, और तो और किसानों के खिलाफ 3 ऐसे कृषि कानून लेके आए जिससे हमारी खेती बड़ी तबाह होती, लेकिन अडानी अम्बानी जो उनके दोस्त मित्र हैं उनका भला हो जाता। तो ऐसे व्यक्ति जब इस और ये जो लेबर लॉज है कैसा बदलाव किया है, मजदूर अपनी यूनियन नहीं बना सकता, अपने हक के पक्ष में नहीं बोल सकता, सारे सार्वजनिक का क्षेत्र उन्होंने बेच दिए जो किसी देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। तो आपकी इकोनॉमी नहीं बचेगी तो आप करोगे क्या? तो अभी जो कहते हैं कि ये किसान वर्ग लाए गए हैं, ये मजदूर वर्ग लाए गए हैं, अरे बाबा ये पुराने जमाने के आदम युग के किसान नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं, वो सजग हैं, अपने हक अधिकार के लिए वो पढ़ते हैं इन कानूनों को, इसलिए जानते समझते तब विरोध के लिए खड़े हुए हैं। तो आज तो ग्रामीण भारत बंद है, तो हम किसानों के समर्थन में सब लोग महिला छात्र नौजवान इकट्ठा हुए हैं, तो अभी तो आगाह कर रहे हैं। नहीं माने तो 1 साल में झुकने के लिए मजबूर किया था उनको, क्योंकि सब मजाक उड़ाते थे कभी पास किए हुए कानून वापस हुआ करते हैं, ये कहा करते थे, हंसी उड़ाते थे किसानों को, आंदोलनजीवी, परजीवी, आतंकवादी, विदेशी पैसा आता है, चाइना वाले पैसे देते हैं, फलाना पैसा देता है, ये सब तरह की बकवास सुनते थे। लेकिन वही किसान थे जिन्होंने अपना हौसला नहीं टिकाया, अपना संयम नहीं खोया,
तो वो वही मोदी था जिसने वो तीनों कानून वापस लिए, तो किसान आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पे निशा सिद्धू हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और तमाम जो किसान प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर कह सकते हैं जुटे हुए हैं, और जुटने के साथ ही वो लगातार इस मार्च में या विरोध में शामिल हो रहे हैं, और शामिल होकर अपनी जो विरोध है वो यहाँ पर जताया जा रहा है। कुल मिलाकर ये ग्रामीण भारत बंद की बात किसान प्रतिनिधियों की तरफ से कहा गई है, और ये लगातार विरोध यहाँ पर भी जारी है। जी दशरथ, खबर पर तमाम